हमारा ये कहना है कि आप अगर देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, जाइए कॉलेजों में, आप कई मुस्लिम लड़कियां उसी कलर का, उसी जो ड्रेस कोड होता है उसी के सलवार सूट पहन के घूम रही है। लेकिन अगर हिजाब को समझना है, हिजाब होता है चेहरे को ढकना। अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर किसी कॉलेज में पढ़ती है, किसी शैक्षणिक संस्था में जाती है, अगर उसका मानना कि मैं रोड पर से अगर कॉलेज में इंटर करूँ, नकाब पहन के करूँगा, क्लास में जाने से पहले मैं उतार लूँ हिजाब सिर्फ मेरे चेहरे पर, इसे आपत्ति क्या? ड्रेस कोड आप चलेगा ही। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों की हिजाब पहनने तथा नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री अब तक चुप हैं, जिसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां महिला एवं पुरुष दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान सरकार मुर्दाबाद किनारे लगी। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के निर्देशानुसार दरभंगा प्रमंडल के अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल लाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मैं मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक बिल ला रहा हूँ। आज जब हिजाब के मामले पर इतनी नफरत की राजनीति हो रही है, तो वो मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? हमारा ये कहना है कि आप अगर देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, जाइए कॉलेजों में, आप कई मुस्लिम लड़कियां उसी कलर का, उसी जो ड्रेस कोड होता है उसी के सलवार सूट पहन के घूम रही है। लेकिन अगर हिजाब को समझना है, हिजाब होता है चेहरे को ढकना। अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर किसी कॉलेज में पढ़ती है, किसी शैक्षणिक संस्था में जाती है, अगर उसका मानना कि मैं रोड पर से अगर कॉलेज में इंटर करूँ, नकाब पहन के करूँगा, क्लास में जाने से पहले मैं उतार लूँ हिजाब सिर्फ मेरे चेहरे पर, इसे आपत्ति क्या? ड्रेस कोड तो आप चलेगा ही। इसको जबरदस्ती इशू बनाया जा रहा है, इसको दरअसल डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे मुद्दों। क्यों आप लोग कई शैक्षणिक संस्था में गए होंगे, क्यों आपको यहाँ दरभंगा में नहीं दिखता कि लोग ड्रेस कोड फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं, मेरा देखिए, एक मैं मुस्लिम बेटी को भगवा वस्त्र धारण करके सैकड़ों लड़के ने जो है सो उसको जो है सो तंग किया, मतलब आपत्तिजनक थी वो दृश्य, आपत्तिजनक था। लेकिन क्या शैक्षणिक संस्थान को अब इस देश में धार्मिक संस्थान बनाने का उद्देश्य हो गया, कभी हिजाब कभी भगवा, और उसी में देखा गया कि भीमराव अंबेडकर के सेवा संस्थान के द्वारा भी जय भीम का नारा लगा कर्नाटक के कॉलेज में। ये शुरुआत किसने किया? अगर आप इसके तह में जाइएगा तो आरएसएस ने प्रोपेगेंडा को फैलाया। 2014 से पहले क्या हिजाब अभी लगा के लोग लड़कियां जा रही है? क्या उससे पहले के लोग नहीं जा रहे थे? ये समझना होगा ना कि 2014 के बाद इस तरह की राजनीति क्यों शुरू हो गई। अगर वो पहन के हिजाब जाती, कोई नया चीज अगर करती तब आप बोलते, हिजाब तो सदियों से सैकड़ों सालों से लड़कियां पहन के अपने आप को आ रही है। आज उस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, उन्होंने पहन के उसको बस एक राजनीति चाहिए, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव, तो मुद्दा तो कुछ चाहिए ना ध्रुवीकरण के लिए, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, चुनाव के लेकर के ये ध्रुवीकरण है। बिल्कुल, इस मामले पर मोदी जी और अमित शाह का मुंह क्यों नहीं खुलता? जब ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलवा रहे थे ट्रिपल तलाक बिल लाके, तो आज मुस्लिम बहनें नजर नहीं आ रही, मुस्लिम बेटियां नजर नहीं आ रही है। अच्छा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला दिया है कि जब तक आगे कोई फैसला नहीं आएगा तब तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक ड्रेस कोड पहन के जाना अलाउ नहीं होगा। इसको किस तरह आप उसको धार्मिक ड्रेस कोड भी मानते हैं? ये राजनेता कहते हैं ये धार्मिक से क्या? क्यों आज हमारी हिंदू कई बहने हैं जो 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 हिजाब का यूज नहीं करते, आपने दुपट्टा नहीं दिखा उनको बांधते, वही तो एक तरह से हिजाब है ना, इसको धार्मिक ड्रेस कोड कहाँ से मांगते हैं? भगवा क्यों धार्मिक ड्रेस कोड? भगवा कैसे धार्मिक ड्रेस कोड हो गया? भगवा धार्मिक ड्रेस कोड नहीं हुआ, भगवा तो ये लोग अपने आरएसएस का एक पट्टा लेके घूमते हैं, वो ड्रेस कोड धार्मिक कहाँ से होगा? किसी धर्म का कोई एक कलर थोड़े ही है। आप अगर भगवा की बात की जाए तो कई ऐसे मजारे जिसमें भगवा चादर चढ़ता, हमारे तिरंगा में भगवा हरा उजला तीनों है, धार्मिक ड्रेस कोड कहाँ?